सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक गुरु स्कूल को और बेल आइकन को दबाइए रोज नई टेक वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय दवे टेक गुरु स्कूल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको लाइव डेमो बताने वाला हूं कि कैसे आप आपके मोबाइल नंबर को आधार नंबर के साथ बड़ी ही आसानी से घर बैठे लिंक करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास स्मार्टफोन हो या ना हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या ना हो, लेकिन आपके पास अगर सिंपल मोबाइल है या सादा मोबाइल है तो उसकी मदद से भी आप आपके आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का सिम हो, चाहे वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, जियो, कोई भी सिम हो, आज मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ ये प्रोसेस की मदद से आप किसी भी कंपनी के सिम कार्ड को आधार नंबर के साथ घर बैठे फ्री में लिंक कर सकते। उसके बाद दोस्तों ये प्रोसेस को करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए। उसकी अगर बात करूं तो उसमें आपको सबसे पहले आपके पास आधार नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो आधार नंबर के अंदर आपने पहले से आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा रखा है वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन या लिंक के प्रोसेस के दौरान उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद ही आप जो है वो इस प्रोसेस को ख़त्म कर पाएंगे। और दोस्तों कुछ ज़रूरी बात वो भी मैं आपके पास शेयर करना चाहूँगा। अब ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये जो प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई है इसलिए अभी टेस्टिंग में चल रही है, या अभी शुरुआत में किसी को भी ये प्रोसेस ख़त्म ना हो, किसी को जो है वो एरर आ सकती है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। किसी कंपनी का अगर बात करूँ तो आइडिया का अगर आपके पास सिम है तो शुरुआत में आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके पास दो तीन सिम है उसमें से कोई एक में अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो शायद उसमें आपका जो यह प्रोसेस है वो ख़त्म हो सकता है। तो आपके पास कोई भी कंपनी का सिम हो, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको उसके अंदर यह प्रोसेसर है वो वर्क ना करे, तो बाद में आप फुर्सत से उसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको जो है वो जो कंपनी का सिम आपके पास है उसके स्टोर पर जाना रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको लाइव डेमो बताता हूँ कि कैसे आप जो है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ आधार नंबर को लिंक कर पाएंगे। तो उसके लिए चलते हैं हमारे मोबाइल पे शाइन इन ऑल टेक गुरु स्कूल इज ऑन। तो ये दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल के ऊपर और लाइव प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि क्या आपको आगे नेक्स्ट प्रोसीजर करनी रहेगी। तो सबसे पहले आपको डायल करना है 14546, ये नंबर डायल करते ही नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन वो आपको सुनाई देगी। आइडिया ने री वेरिफिकेशन हेल्पलाइन में आपनो स्वागत छे। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाए। गुजरात यदि आप भारतीय नागरिक है तो एक दबाए, अन्यथा मोबाइल नंबर री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कृपया अपना आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने साथ रखें। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भेजा जाएगा। मैं अपने मोबाइल नंबर को प्रमाणित करने के लिए सहमति देता या देती हूँ और इसे आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत UIDAI के माध्यम से जनसंख्या के प्रमाणीकरण के लिए मेरी सहमति माना जाए। अपनी अनुमति देने के लिए एक दबाएं। कृपया अपने 12 अंक का आधार कार्ड नंबर एंटर करें। मैं ये पुष्टि करता हूँ कि मैं इस मोबाइल नंबर का मौजूदा उपभोक्ता हूँ। 9 7 1 4 3 और इस मोबाइल नंबर का सिम कार्ड मेरे पास है। आधार ओटीपी को शेयर करके मैं अपने मोबाइल नंबर को प्रमाणित कराने के लिए UIDAI से अपना नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग, फोटो के लिए अपनी सहमति देता या देती हूँ। एंटर किए गए ओटीपी को मेरा सही यानी सिग्नेचर माना जाए। अपनी अनुमति देने के लिए एक दबाएं। कृपया ओटीपी नंबर एंटर करें जो आपको आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। आपके नंबर पर री वेरिफिकेशन प्रोसेस सफलतापूर्वक शुरू किया जा चुका है। 24 घंटे बाद आपके नंबर पर री वेरिफिकेशन कंफर्मेशन के लिए एक SMS आएगा। कृपया री वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए SMS का जवाब दिन के 3 घंटे में दें। यदि आप अपना ऑल्टरनेट नंबर हमारे पास अपडेट कराना चाहते हो तो एक दबाएं। एग्जिट करने के लिए 2 दबाएं।
आइडिया की री वेरिफिकेशन हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो हो चुका है ख़त्म। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपने सुना कि आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, वो मैसेज का रिप्लाई आपको करना है, तभी आपकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो ख़त्म मानी जाएगी। तो आप भी इसी तरह आपके मोबाइल नंबर के साथ आधार नंबर को लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आप बड़ी आसानी से आपके मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और आपके दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उसकी भी कुछ मदद हो जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे नहीं इंटरेस्टिंग टेक और लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।